बॉलीवुड हो या बिग बॉस, हर जगह हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के प्यार में पागल दिखाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रद्धा वालकर जैसे कुछ केस तो सामने आ जाते हैं किंतु अधिकतर केस छिपे रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सूरत से आया है। एक अच्छे खासे हिंदू व्यापारी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसे रोजाना दुकान से जाने के बाद पत्नी को सारी सुख सुविधाएं देता था। दो बच्चों से भरा पूरा परिवार था। रील्स देख देख कर पत्नी ने पति के सामने जिम जाने की इच्छा जाहिर की। पत्नी घर में खाली बैठी थी तो उसे पति मना नहीं कर पाया। पत्नी ने जिम जाना शुरू कर दिया। जिम के ट्रेनर ने पहले दिन से ही व्यापारी की पत्नी का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह ट्रेनिंग के बहाने उसे टच करके बताता, इसे ऐसे करिए, ये डिम्बल ऐसे उठाइए। जिम की मोटी फीस लेता। जिम ट्रेनर मुस्लिम था। उसने जब देखा कि यह महिला खूब पैसे वाली है, तब उसने दो बच्चों की माँ को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया और उसके प्रति सम्मान, आदर और सेवा भाव दिखाता। उस ट्रेनर ने धीरे धीरे व्यापारी की पत्नी को फिटनेस का हवाला देकर टाइट कपड़े पहनकर आए ऐसा कहने लगा। व्यापारी दिन रात एक करके मेहनत करता ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख सके, तो दूसरी ओर ट्रेनर उसे हीरोइन जैसे शरीर का बनाने का हवाला देकर साथ साथ डिनर ले जाने लगा। पति जब पूछता आज लेट क्यों हो गई, तो पत्नी बोलती वॉक करते हुए आई हूँ। मुस्लिम जिम ट्रेनर ने व्यापारी पत्नी को ऐसे काबू में किया कि वह उसके साथ उसकी झुग्गी तक जाने लगी। फासला ऐसे बढ़ा कि उसने इतना प्यार करने वाले व्यापारी पति से तलाक ले लिया। व्यापारी परेशान रहने लगा, बिजनेस रुक गया, बच्चे माँ के बिना अकेले हो गए और उधर व्यापारी की पत्नी मुस्लिम ट्रेनर के साथ दोनों लिव इन में रहने लगे। ट्रेनर कबाड़ी का बेटा था, अनपढ़ था, उसके पास कुछ नहीं था, एक सेकेंड हैंड उधार की बाइक ली थी और उसी से वह व्यापारी पत्नी को घुमाता और रात में अपनी झुग्गी पर ले जाता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब व्यापारी प्यार करने वाले हिंदू पति और बच्चों को छोड़कर आने वाली महिला को ये पता चलता है कि वो जिसके साथ लिविंग में रह रही है उसका प्रेमी तो पहले से ही शादीशुदा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। उसका मुस्लिम प्रेमी और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उसे ससुराल में मिले गहने को देने के लिए दबाव डालने लगी, उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने लगी। फिर तंग आकर हिंदू महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया और अपने हिंदू पति के प्यार वाले दिनों को याद करके रोई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं सूटकेस जाने से बची, लेकिन इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, JT न्यूज़।